Hey fam, welcome back to the 10 star. So we are back again with another video and अभी हमें पता लगा है मुनावर फारूकी is leaving comedy and हमें ये पता लगा है पूरे एक साल डेढ़ साल बाद क्योंकि ये वीडियो है 14th फेब वैलेंटाइन वाले दिन निकाले थे वीडियो 2021 में एंड हो गए इसको काफ़ी महीने हो चुके हैं 15 महीने बाद हमें याद आई है कि यार ऐसा हुआ तो नहीं है लेकिन ये वीडियो में था क्या देखने लायक होगा मजा आने वाला है थोड़ा सा एंड आई एम ग्लैड ऐसा हुआ नहीं हां ऑब्वियसली वी आर ग्लैड वी आर ऑल वी आर ग्लैड कि ऐसा हुआ नहीं तो लेट्स बिगिन देखते हैं वीडियो कैसी है ऑडियो रोलिंग कैमरा रोलिंग कैमरा रोलिंग ओ नाइस टेबल है ओके ओके लग रहा ब्रेड है सो हाय दोस्तों जो लोग मुझे पसंद करते हैं वो लोग इस वीडियो को प्लीज जरूर देखना पूरा देखना हम देखेंगे और जो लोग मुझे पसंद नहीं करते हम देखेंगे उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को पूरा देखें देख लेना यार जो भी नहीं है और जो लोग मुझे जानते ही नहीं वो लोग काफी सुखी लोग हैं क्योंकि वो आज के टाइम में इंटरनेट यूज नहीं कर रहे हो सकता है ये वीडियो मेरा आखिरी अरे वंडा एक काम करना तू ऐसा बैकग्राउंड में वो बजाना अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना उस पर कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा तू काय को टेंशन ले रहा है मैं गा देता हूँ ना अपने मुंह से उससे अच्छा है कॉपीराइट क्लेम आ जाए और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है तो प्लीज अब डिस्टर्ब नहीं करना इंटरनेट हमारी जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है ना और शायद मेरे कॉमेडी छोड़ने की वजह हाँ हेलो नहीं रे वो कॉमेडी नहीं करेगा एक मिनट एक और टैलेंट है क्या तेरे में शायरी 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 कर लेगा सिंगिंग हाँ पैसा नहीं देंगे शॉल और एक कमल का फूल उली एक काम करो फूल गुलाब का कर दो और दो शॉल अब ये सब हो गया तो प्लीज बकवास बंद कर दो मैं मुझे याद भी नहीं मैं क्या बोल रहा था क्या बात कर रहा था क्या बात क्या बिग बॉस की बात कर रहा था नहीं बिग बॉस नहीं इंटरनेट हाँ तो एक ही तो बात है कोई सुनता कहाँ है सिर्फ लड़ते तो इंटरनेट हम पहले भी यूज़ करते थे आज से 10 साल पहले याद है हम इंटरनेट यूज़ करते थे दोस्त बनाने के लिए वॉलपेपर रिंगटोन्स डाउनलोड करने के लिए और हमारी खुशी के लिए हमें खुशी मिलती थी जो भी करते थे और आज इंटरनेट पे सिर्फ दुश्मन बनाए जाते दुश्मन भी उसको जिसको आप जानते भी नहीं हो और उस इंसान के लिए दुश्मन बना रहे हो जो आपको नहीं जानता किस पार्ट पे ये क्यों कर रहे हो हम ये क्यों भूल चुके हैं कि इंटरनेट एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन के लिए जो जेल हो गई थी उसके बाद हम अगर बैन करना चाहते किसी चीज को तो इंटरनेट पे होने वाले हेट को बैन क्यों नहीं करते एक भीड़ चाल होती है लोग बिना सोचे समझे घंटों घंटों तक किसी चीज पे आर्ग्यूमेंट करने लगते लड़ने लगते गालियां देने स्टिल रिलेवेंट यार अभी तक मतलब एक साल पुरानी हम ये क्यों कर रहे हैं हम इंटरनेट को सही इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते गुड क्वेश्चन कोशिश कर सकते 6-6 घंटे आर्ग्यूमेंट इस चीज पे करना कि किसी ने पिज्जा खा लिया बस बस लड़ते रहेंगे कौन है ऐसे लोग और ये भेड़ चाल है छोटी बच्ची जो सियासत है उसका कोई भी शिकार हो सकता है मैं शिकार नहीं हुआ मुझ पे तो सिर्फ खरोंच आई और वो भी उस चीज की वजह से जो मैंने की तक नहीं थी कौन सी किसी की सियासत और किसी की ये भेड़ चाल इसके चक्कर में किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं किसी का दिल दुखा दूं और कभी फेमस होना भी नहीं चाहा फेमस होना होता तो गाड़ी में बैठ के गालियां दे रहा होता किसी को बट नहीं ये भी सही है हमने लोगों को हंसाना चुना स्टैंड अप कॉमेडी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि खुशी मिलती है जब लोग खुश होते हैं लोग हंसते हैं मैं जब मैसेज रिसीव करता हूँ इस तरह के कि हमारा दिन बहुत बुरा जा रहा था एग्जाम थी स्ट्रेस था हम आज बहुत ये थे हमें खुशी हुई अच्छा लगा आपका ये जोक वो जोक अच्छा लगता है वो खुशी मिलती है उससे हर इंसान का अपना एक पैशन किसी का पैशन ये है कि वो गाड़ी में बैठ के लोगों को गालियाँ दे हमारा पैशन ये है कि हम लोगों को हंसाएं हमारा पैशन हम साथ में लोगों को हंसाएं कैसे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते कैसे किसी का दिल दुखा सकते नहीं धक्का लगने पे 4 बार सॉरी बोल देते किसी को तकलीफ हो वो कभी नहीं चाहूंगा
और मैं क्या, हर एक आर्ट फॉर्म बहुत मेहनत से लोगों को एंटरटेन करने के लिए, हर एक आर्टिस्ट बहुत मेहनत करता है, और एंटरटेनमेंट ने और आर्ट ने हमेशा लोगों को एक किया। हमारे शो पे हमें नहीं पता कौन क्या है, कौन सा क्या फॉलो करता है, वो बस वो हंसता है और हमें खुशी मिलती है। True. हाँ, स्टैंड अप कॉमेडी कोई मजबूरी में चूज़ नहीं करता है, बट वो अचीव करने के लिए बहुत मजबूरियों से गुजरना पड़ता है। एक जोक लिखने के लिए बहुत मेहनत लगती है, किसी को हंसाना बहुत मेहनत का भी काम है, और मेरे किसी भी जोक को लेकर किसी का दिल दुखाने का कभी इंटेंशन हो ही नहीं सकता। तो हर एक कंटेंट क्रिएटर जब कंटेंट क्रिएट करता है, जब बनाता है, तो उसे लाइक्स चाहिए होते हैं, वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो वीडियो देखें, लोग पसंद करें। और एक कुछ लोग हैं जिनको अपने एजेंडास या अपनी तकलीफें वो कमेंट्स में लिखनी है। हम पढ़ते हैं, ऐसा नहीं हम नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं, वो मैटर भी करता है। मैं ये नहीं बोलूँगा अरे कमेंट जो लिखना है लिखो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, बहुत फ़र्क पड़ता है। जब एक भी गाली आती है बहुत बुरा लगता है, कहने की बात होती है, क्योंकि मैं वो तो चाहता ही नहीं। मैंने एक वीडियो पे कमेंट ऑफ कर दिया तो किसी ने कहीं और कमेंट किया कि कमेंट ऑफ कर दिए, डर गया। नहीं, वो वीडियो पे जब आप बुरे कमेंट्स कर रहे थे, मेरे चाहने वाले आपको बुरे कमेंट्स कर रहे थे, वो झगड़े हो रहे थे, मैंने वो रोकने के लिए कमेंट्स बंद किया। मैं चाहता तो ना पढ़ता कमेंट्स, बट वो पढ़ता हूँ, मुझे इफेक्ट होता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंटेंशन ही नहीं। मुझे पता होता मुझे कोई विरोध में, मेरे सामने कोई खड़ा क्यों चाहिए, मुझे साथ चाहिए लोग। और मैं ये अपने फैंस जो मुझे फॉलो करते हैं या मुझे पसंद करते हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कोई मुझे गाली दे तो उनको सामने प्लीज़ गाली मत दो, प्लीज़ गाली मत करो, यही तो नहीं करना है। लोग बहुत गलत इन्फॉर्मेशन लेके इंटरनेट पे आते हैं, उनको पूरी बात पता भी नहीं होती है, और आके कुछ भी लिख देते, शेयर कर देते। ये भी है। तो प्लीज़ किसी के साथ एंगेज मत हो, कोई आर्ग्यूमेंट्स में मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। सही, आप गाली दोगे वो सामने आपको गाली देगा, सब दोगला बना है, उससे कुछ हासिल नहीं। सारे क्योंकि इंटरनेट पे किसी भी आर्ग्यूमेंट का कोई कंक्लूजन नहीं, कोई नहीं जीतता, बस गालियां दी जाती है एक दूसरे के माँ बाप को। आप डिसाइड करो ना, आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। कुछ लोग हैं जो इंटरनेट पे हेट फैला रहे, नफरत फैला रहे, आप क्या करना चाहते हो? आप उनके साथ यही मैटर करता है, नफरत फैलाना चाहते हो, राइट? या आप उनको इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहते हो और इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना चाहते हो? मैं खुद भी चाहूँगा कि हम ये क्यों ना करें, हम हेट को इतना बढ़ावा क्यों दें, हम इन्हें क्यों स्टार बनाएं, हम इन्हें फॉलो करते मजाक मस्ती के लिए, करे यार क्या स्टाइल में गाली देता है, लेकिन उनके नंबर्स जब बढ़ते हैं उनको लगता है कि लोग पसंद कर रहे हैं उन्हें। ये किसके बारे में बोल रहा है? वो बस ऑनलाइन है, ऑनलाइन गाली दे रहा है, सुनने मजा आ रहा है। कभी ऑडिटोरियम में उसकी गालियां सुनने जाओगे आप, 1000 रुपया पे करके? अच्छा, क्या आप खड़े रहो 1.5 घंटे तक, सब गाली दो, हमने 1000 रुपया पे किया आपको, देख वो कॉन्टेंट नहीं, वो बस हेट है। हम जब मूवीज देखने जाते और एक्शन सीन अच्छा नहीं होता तो हम पता है कंप्लेन करते हैं, यार थोड़ा फेक लग रहा था, हमें पता है वो फेक है, बट फिर भी जब वो फेक लगता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। क्योंकि हमें झगड़े देखना पसंद है, हम ही मजे लेने के लिए इन चीज़ों को थोड़ा प्रोत्साहन देते, और जिसकी वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती। आप डिसाइड करो ना, आप प्यार बांटना चाहते हो इंटरनेट पर या नफरत। और मैं सॉरी कहना चाहूँगा अपने फैंस से भाई, पानी, थैंक यू सीजे। अरे सीजे, ये कप कैसा है? अरे जान के ना, इट्स गुड। वो आई नो, बट ये कप कप कैसा है? तो मेरे फैंस से मैं सॉरी कहना चाहूँगा, ये जेल वाला कप कि वीडियो के टाइटल में और थंबनेल में मैंने गलत स्पेलिंग डाला है। मुना और फारूक की लिविंग कॉमेडी नहीं है, मुनव्वर फारूक की लिविंग कॉमेडी। क्योंकि मैं कॉमेडी की वजह से जिंदा हूँ, मैं कॉमेडी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि शायद मुझे कॉमेडी ने जिंदा रखा है। Nice. जब लोग हंसते वो कान में जाता है, एनर्जी आती है। Yes. और जो नफरत कर रहे, कोई बात नहीं, उनका दिल भी जीत लेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी,
हर आर्टिस्ट को ये चैलेंज मिलते ही है, जो चैलेंज मिला अगर अभी भी ना तो करके दिखाएंगे। तो कॉमेडी तो मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि किसी ने खूब कहा है मेरा ख्वाब जगेगा मेरी नींद भरी आंखों में, आंख लगे तो कभी थाम लेना हाथ मेरे, ताज चढ़ेगा सर महल बनेगा, कभी लिखना रुके तो दोनों काट देना हाथ मेरे। तो कॉमेडी छोड़ने के हजारों रीजन है मेरे पास, कॉमेडी करने का एक रीजन है और वो ये है। भाई व्हाट अ वीडियो, ट्रू स्टिल रेलेवेंट वीडियो एंड इट विल बी रेलेवेंट फॉर एजेस, क्योंकि ये जो लड़ाई झगड़े एंड यू नो हेट कमेंट्स आना ये कभी मुझे नहीं लगता। आई थिंक ओवर द टाइम ये बढ़ ही गया है, बढ़ेगा ही, मतलब कम हो सकता है लोग यू नो थोड़े से एजुकेटेड हों, लोगों को समझ आए तो कम हो सकता है, बट बंद तो मुझे नहीं लगता भी खत्म होगा। गुड वीडियो, गुड वीडियो। आई वॉज एक्सपेक्टिंग ये मे बी स्टैंड अप एंडम का कोई वो है, टाइटल है, कुछ अलग वीडियो होगी, बट अ गुड वीडियो, मजेदार वीडियो एंड मजा आया देखने में। अगर आपको भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ बुद्धि में घुसा हो, मेक श्योर यू गिव अस थम्स अप एंड ओरिजिनल लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट अगर अब तक नहीं देखा, एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू ग्राइंड टू शाइन, टेक केयर, बाय बाय।